अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इकबाल और आप इस वक्त मेरा ये चैनल देख रहे हैं व्हाट इज़ ऑन इंटरनेट। और उसमें ये वीडियो सियासत माफ सीरीज़ का एक हिस्सा है। तो इस वीडियो में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में आजकल मौजूदा दिनों में जो मायूसी है वो किन टॉपिक्स पर है और उस मायूसी से कैसे निकला जा सकता है। फ़िलहाल पाकिस्तान में शदीद मायूसी है पाकिस्तान की इकॉनमी को लेकर। पाकिस्तान बहुत दिनों से इस बात का पाकिस्तान में शोर था कि पाकिस्तान में ऑयल के रिजर्व्स निकल आए हैं। कुछ लोगों ने तो ये दावा कर दिया था कि वो कुवैत से ज़्यादा बड़े रिजर्व्स हैं, लेकिन फ़िलहाल जो आखिरी रिजल्ट आया है लैब रिज़ल्ट, उसके मुताबिक उन्होंने मतलूबा गहराई तक ड्रिलिंग की और उस ड्रिलिंग के नतीजे में वो रिज़र्व जिसकी उन्हें तलाश थी वो नहीं मिल सका। तो मायूसी मज़ीद बढ़ रही है। पाकिस्तान की कमाई पाकिस्तानी आवाम को लगता है कि है नहीं और हम लोगों के इम्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो इसी हवाले से आज का ये वीडियो है, तो इसको ज़रूर देखें और अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही हो तो इसको शेयर भी करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और मैं जो आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान को किस तरह अच्छा किया जा सकता है उस पर थोड़ा गौर व फिक्र भी करना है और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को इसी तरह जैसे मैंने वीडियो बनाया है इसी तरह वीडियो बना के शेयर करना है। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेटर खोल लेता हूँ क्योंकि मुझे अपने इस वीडियो के दरमियान में कैलकुलेटर की बड़ी शदीद ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है जनाब, तो उसके बाद अब हम गूगल से पूछेंगे कि पाकिस्तान की 2017 का जो फाइनेंशियल ईयर कम्प्लीट हुआ था यानी कि पिछला साल, उसमें कितनी एक्सपोर्ट्स थी। हे गूगल, हाउ मच वॉज पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स इन यूएस डॉलर इन ईयर 2017? अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टा, इन 2017, गुड्स विद अ वैल्यू ऑफ अराउंड 21.72 बिलियन यूएस डॉलर्स वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम पाकिस्तान। ओके, यानी के 21,720 मिलियन यूएस डॉलर की हम लोगों ने एक्सपोर्ट की। अब हम मालूम कर लेते हैं कि पाकिस्तान की आबादी कितनी है। हे गूगल, अकॉर्डिंग टू सेंसस इन 2017-18, हाउ मच इज पाकिस्तानी पॉपुलेशन? टेक अ लुक एट दीज रिजल्ट्स स्टार्टिंग विद वन फ्रॉम विकिपीडिया। हे गूगल, हाउ मच वाज पाकिस्तानी पॉपुलेशन इन द सेंसस 2017? According to Wikipedia, according to the... एक बार फिर पूछ लेते हैं। Hey Google, how much is Pakistani population according to census in 2017? 207,774,520. According to Wikipedia, the provisional results of the 2017 census were presented to the Council of Common Interests on the 25th of August 2017. According to the results, the total population in Pakistan was 207,774,520, representing a 57% increase in 19 years. Okay, so hum logon ne kya kiya, humne pehle check kiya ki kitna Pakistan ka exports tha, to 21.72 बिलियन एक्सपोर्ट्स था, यानी कि इसको अगर हम मिलियन में कन्वर्ट करें तो 21,720 मिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट्स था। अभी हमारी पॉपुलेशन हमने चेक की 2017 के सेंसस में जो पॉपुलेशन हमें बताई गई है, अगर हम बच्चों को और बूढ़ों को सबको मिला लें तो पॉपुलेशन हमें बताई गई है 207 मिलियन की। तो हम इस एक्सपोर्ट को डिवाइड करेंगे 207 मिलियन पे और पता करेंगे कि एक बंदा कितने डॉलर कमा रहा है साल के। तो जनाब आंसर आया 104 डॉलर, या आप 105 ही कर लें इसको राउंड ऑफ करके। तो पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है यानी कि हमारी 207 मिलियन लोग कुल मिलाकर साल का 105 डॉलर फी बंदा कमा रहे हैं। क्या
ये जस्टिस है, सारी मायूसी अपनी जगह है, लेकिन क्या हम लोग इससे बेहतर नहीं कर सकते? क्या आपको ये मालूम नहीं है कि वो कौन से तरीके हैं जिनसे आप अपनी सर्विसेज दुनिया वालों को बेच सकते हैं और 105 डॉलर से साल का ज़्यादा कमा सकते हैं? देखें, ये 105 डॉलर आपकी इंडस्ट्रीज की जो एक्सपोर्ट्स है उसके थ्रू ही कमाए जा रहे हैं, या थोड़े बहुत जो फ्रीलांसर्स हैं उनकी कमाई है इसमें शामिल है? ये नहीं मालूम कि वो टैक्स देते हैं नहीं देते जिसका उन्हें टैक्स देना चाहिए, लेकिन वो टैक्स नहीं देते, तो जाहिर है उनकी जो जितनी इनकम है वो अनअकाउंटेड इनकम है, बिकॉज वो किसी के एम्प्लॉय तो है नहीं. वो उनकी इनकम डायरेक्ट फाइवर से आ रही है, या ओडेस से आ रही है, या यूट्यूब के चैनल से आ रही है, तो वो इसमें शायद शामिल ना हो. लेकिन आप ज़रा गौर कीजिए, 105 डॉलर एक बंदा पाकिस्तान का कमा रहा है. क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि ये 105 डॉलर के बजाय, साल में 105 डॉलर के बजाय हम महीने का 105 डॉलर फी बंदा बनाने लग जाएं? मैं ये मानता हूँ कि 207 मिलियन के 207 मिलियन जवान नौजवान नहीं है, उसमें से आप समझ ले कि आधे नौजवान होंगे, तो अगर हम 207 मिलियन का आधा कर लें यानी कि 103.5 मिलियन, तो 103.5 मिलियन लोग अगर महीने का, ये कैलकुलेशन कर लेते हैं जनाब, 103.5, आधी पॉपुलेशन यानी कि 103.5 मिलियन लोग महीने के 100 डॉलर कमाने का अपना टारगेट बनाएं और वो 12 महीने तक कमाएं, तो 124 बिलियन आधी पॉपुलेशन हमारी कमा सकती है साल का. 124 बिलियन की बात कर रहा हूं मैं. अभी हमारी टोटल एक्सपोर्ट कितनी है? हमारी टोटल एक्सपोर्ट है 21 बिलियन. यहाँ 124 बिलियन की बात हो रही है. वो 124 बिलियन कैसे आएंगे कि आप लोगों ने करना ये है कि अपना सबका एक एक यूट्यूब चैनल बनाना है, फिर हर दूसरे पाकिस्तानी का जिसका आप देखें कि यूट्यूब चैनल है तो उसके चैनल को जाके आपने सब्सक्राइब करना है. अपना फालतू वक्त जो आप लोग टीवी को देते हैं, और टीवी को देख के किसी को कोई कमाई नहीं होती, किसी की कोई इनकम जनरेशन नहीं है, तो टीवी को छोड़ें, यूट्यूब पे आ जाइए, और यूट्यूब पे हर दूसरे पाकिस्तानी का जाके चैनल आपने सब्सक्राइब करना है. उसके जो वीडियोज़ आते हैं बेल आइकन क्लिक करके रखिए, जो वीडियोस आते हैं जो इंटरेस्टिंग आपको लगे वो आप देखते चले जाएं. वो कंटेंट देखने से किसी ना किसी की कमाई स्टार्ट हो जाएगी, और होगा ये कि हम अगर आधी पॉपुलेशन यूट्यूब से 100 डॉलर महीने का कमाने लग जाएं, तो हम इस नंबर पे पहुंचे हुए होंगे. हमारी गुड्स एंड सर्विस एक्सपोर्ट्स की जो कमाई है वो इस नंबर पे पहुंची हुई होगी, यानी कि 124 बिलियन डॉलर. ज़रा इस बारे में आप लोग ज़रूर सोचिएगा. दूसरी चीज़ ये कि सिर्फ यूट्यूब ही नहीं है, उसके अलावा और क्या कमाई के ज़रिए हैं? फाइवर ज़रिया है. फाइवर में छोटी छोटी सी गिग्स होती हैं. आप अगर कोशिश करें, अपने आप को रजिस्टर कराएं, नहीं आएगा पहले दिन यकीनन आपको, पहले महीने में 100 डॉलर शायद ना मिल पाए, लेकिन जब मिलने लगेंगे तो 100 डॉलर पे आपकी सुई रुकेगी नहीं. आप आराम से 1,000 डॉलर, 1,500 डॉलर, 2,000 डॉलर महीने के कमा सकेंगे, अगर आप उन चंद लोगों में से हो जाएं, यानी कि ये आधी पॉपुलेशन हमारी 103 मिलियन हुई. मैं कहता हूँ 1% पॉपुलेशन अगर आप ले लें, यानी कि 1% भी नहीं, 1% की भी आधी पॉपुलेशन अगर हम ले लें, हम कहें कि 207 मिलियन की हमारी आबादी है, हमारे उस आबादी में से सिर्फ 1 मिलियन लोग साल का कितना कमाएंगे फाइवर और इस दूसरी फ्रीलांसिंग एक्टिविटीज से, अगर वो महीने का 1,000 डॉलर का टारगेट बनाए अपना, तो उनका साल की आमदन मजीद 12 बिलियन होगी, यानी कि 124 बिलियन आधे लोग यूट्यूब से कमा रहे हैं, और 12 बिलियन उसमें से सिर्फ 1 मिलियन लोग अगर
$1,000 महीने का फ्रीलांसिंग से कमाने लग जाएं, बीपीओस के थ्रू कमाने लग जाएं, टेलीमेट्री सिस्टम्स लगा के उसमें आपको सिर्फ टाइपिंग करनी होती है, उन जॉब्स से कमाने लग जाएं, तो आप 12 बिलियन मजीद ऐड कर सकते हैं। यानी कि हम बात कर रहे हैं 136 बिलियन डॉलर पाकिस्तान की इनकम की। हमारी इंपोर्ट्स जितनी भी गई हैं, हमें इस बात का गिला रहता है कि पाकिस्तान की इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट्स कम हैं। तो हमारी मैक्सिमम जितनी भी इंपोर्ट्स गई हैं आज तक, वो कितनी गई हैं ये हम गूगल से मालूम करते हैं। हे गूगल, हाउ मच इज पाकिस्तानी इंपोर्ट्स इन US डॉलर? According to theglobaleconomy.com, Pakistan imports of goods and services billion USD. Hey Google, how much is Pakistani imports in US dollars in 2017? Here is information from theglobaleconomy.com. Okay जनाब, तो मेरे पास ग्लोबल इकोनॉमी का ये एक चार्ट आया है। इसके मुताबिक 2014 में हमारी इंपोर्ट्स 45 बिलियन की थी, 2015 में 46 बिलियन की, 2017 में 45 बिलियन अगेन, 2017 में 53 बिलियन। हम कमा कितना रहे हैं? हम कमा रहे हैं 136 बिलियन। यानी कि 136 में से अगर हमारा इंपोर्ट हम निकाल दें, 136, अगर हम सेम अमाउंट ऑफ इंपोर्ट भी करें, यानी कि 53 बिलियन हम करें, तो भी 83 बिलियन डॉलर्स हमारे मुल्क की कमाई, नेट कमाई होगी। जब आपकी कमाई इतनी ज़्यादा होगी तो आप सोचें कि पाकिस्तान किस हिसाब से तरक्की नहीं करेगा, ये सोचने वाली बात है। मायूसी फैलाने के बजाय अगर हम थोड़ी सी मैथ्स करें, थोड़ा कैलकुलेशन करें, एक दूसरे की मदद करें। यूट्यूब पे सिंपल काम ये है कि आपने जाके पाकिस्तानी चैनल जो भी नज़र आए, जिसका भी नज़र आए, उसको आपने क्लिक करना है। अपना फालतू वक्त टीवी को देने के बजाय, अपना फालतू वक्त टीवी के एंकरों को देने के बजाय, टीवी के न्यूज़ चैनल्स को देने के बजाय, अपना फालतू वक्त जो है वो आप यूट्यूब को दें। जो आपके इंटरनेट आपने खरीदा हुआ है ना, उसमें आपके कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लग रहे, आपका वो पैकेज जो घर का घरेलू इंटरनेट है, वो आप उसके महीने के पैसे दे रहे हैं, उसमें आप MBs के हिसाब से तो पैसा दे नहीं रहे हैं। LTE या 4G इंटरनेट जो होता है उसमें खैर MBs की एक रिस्ट्रिक्शन होती है, लेकिन GBs में डेटा होता है जो कि आपने पूरे महीने में यूज़ करना होता है। अगर आप देखें कि वो GBs आपके बच रहे हैं, तो उस महीने के आपने पैसे तो उस पूरे GBs के दे दिए हैं ऑलरेडी, तो आप उन GBs को ज़ाया करने के बजाय हर महीने आप ये तहिया कर लें कि आखिर के महीने के आखिरी दिनों में जब आपके वो GBs ज़ाया होने वाले होंगे, तो उस वक्त में आप जाएंगे YouTube लगाएंगे, दबा के जितने पाकिस्तानी चैनल्स हैं YouTube पर, उन तमाम चैनल्स को आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है और उनके वीडियोस को देखना है। बार बार एक ही वीडियो नहीं देखना, एक ही चैनल के एक ही वीडियो को बार बार देखना नहीं है, उससे वो उसकी इनकम रुक जाएगी। आपने क्या देखना है, आपने हर दूसरे वीडियो को जो कि आपको इंटरेस्टिंग लगे, आपको समझ में आए, वो देखना है, उससे उस यूट्यूबर की इनकम शुरू होगी और वो इनकम एक तरह से आप पाकिस्तान की इनकम में इजाफा कर रहे होंगे। तो और ये पैसा आता कहाँ है, ये पैसा अगर आप पाकिस्तान में मंगवाएंगे फॉर एग्जाम्पल, तो ये जो हम 136 बिलियन डॉलर की बात कर रहे हैं, ये जब पाकिस्तान की बैंक में आएगा, तो जो जिसको पैसा पाकिस्तान में चाहिए वो इसको कन्वर्ट भी कराएगा, यानी कि ये पैसा हुकूमत पाकिस्तान को मिलेगा, ये डॉलर्स हुकूमत पाकिस्तान को मिलेंगे, और उसके बदले में हुकूमत पाकिस्तान जो है आपको जो रुपए वो खुद छापती है वो देगी। तो पाकिस्तान की जो डॉलर्स की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी होगी। आपको मालूम है कि पाकिस्तान इस वक्त IMF से कितने बिलियन का कर्जा ले रहा है? पाकिस्तान इस वक्त IMF से 6 बिलियन का कर्जा ले रहा है। हमारी यहाँ पे इंपोर्ट्स माइनस करने के बाद भी 83 बिलियन US डॉलर्स की सेविंग है। तो हमें वो 6 बिलियन IMF के सामने भीख मांग नहीं मांगनी पड़ेगी, वो 83 बिलियन सरप्लस पड़ा हुआ होगा इंपोर्ट्स का खर्चा निकाल कर। तो अगर हम सोचें,
हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के यूट्यूब चैनल्स को जरूर जाके सब्सक्राइब करें, और उनके वीडियोस फालतू वक्त में जब आपका इंटरनेट का डेटा ज़ाया होने वाला होता है महीने के आखिर में, तो उसको इस्तेमाल करें, उसको यूटिलाइज करें, और हम एक दूसरे की मदद करें तो यकीनन हम पाकिस्तान को इन मुश्किल हालात से बाहर निकाल सकते हैं। मेरे इस वीडियो को ज़रूर इस पे गौर करिएगा, और ना सिर्फ ये कि गौर करिएगा बल्कि इसको अगर समझ में आ जाए किसी को तो इसको आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और मेरे वीडियो को भी इसी तरह जिस तरह मैं आपके वीडियोस को लाइक करूँगा, आपके वीडियोस को शेयर करूँगा और आपके यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करूँगा, उसी तरह आप मेरे चैनल पर भी जाएँ, उसको भी सब्सक्राइब करें, उसके वीडियोस को भी लाइक करें, और उसके जो फालतू के वीडियोस आते हैं भले वो आपकी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर तनकीदी वीडियोस हों, मैं बहुत तनकीद करता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, लेकिन अगर पाकिस्तान की बात आ रही है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैटर नहीं करता, पीपल्स पार्टी मैटर नहीं करता, मुस्लिम लीग नवाज मैटर नहीं करता, एमपीएम मैटर नहीं करता, बात पाकिस्तान की है तो पाकिस्तान की बात करनी है, तो आपने अगर तनकीद भी है तो वो भी सुन लेनी है, और जिस तरह मैं हकीकत टीवी वालों को बर्दाश्त करता हूँ, उनके वीडियोस देखता हूँ, सियासत पीके वालों को बर्दाश्त करता हूँ, उनके वीडियोस देखता हूँ, तो भाईजान आप मेरे वीडियोस भी बर्दाश्त करें, लेकिन सब्सक्राइब करें, एक दूसरे को सब्सक्राइब करें, एक दूसरे का फायदा कराएं, और यकीनन पाकिस्तान 1 साल में नहीं तो 2 साल में सरप्लस डॉलर्स के साथ खड़ा हुआ होगा, और हम सब तरक्की कर रहे होंगे इंशाल्लाह। अपना, दोस्तों का, रिश्तेदारों का, सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।